जब देखा तो कबाड़ लगा कि यार ये कैसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट है, राइटर कैसा रखा है। फिर जब कबाड़ का ट्रेलर निकल गया जो वरदाराज स्वामी जी का नाम आया, तो मैंने सोचा यार इनके तो सब्जेक्ट भी बड़े अच्छे होते, क्योंकि बड़े सूझवान राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और बहुत अच्छी सोच है इनकी। तो एक अच्छी सोच वाली फिल्म हुई। तो फिर मैंने ट्रेलर दोबारा देखा, फिर इनका गाना भी रिलीज हुआ मस्ती वाला, तो लगा कि यार ये एक अलग जोनर की फिल्म है। तो सोचा कि तो मुश्किल से एक दिन निकला नहीं था कि मैंने एक दिन में 50 से 60 बार ट्रेलर देखा, क्योंकि मैं भी राइटर हूँ, लेडीज राइटर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, कुछ फिल्में आ रही हैं लाइन में। मगर ये इन जैसे ये डायरेक्टर हैं, जैसे ये राइटर हैं, इन लोगों को फिल्में देख हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल जो फिल्में आ रही हैं उसके तहत देखते हुए इनकी फिल्म में मैसेज भी होता है और एक अलग सोच की फिल्म होती है। इनकी फिल्म में देखने बैठ जाओ ना तो आदमी बैठ जाता है, मतलब सोचता नहीं कि यार उसके बाद उसको बाकी सब सुध बुध भूल जाती है, वो सोचते यार ये फिल्म किस जॉनर में ले गई, आदमी को एक अलग ही हिस्से में लेके चली जाती है इनकी फिल्में। मैंने एक दो फिल्में इनकी देखी है, मगर ये फिल्म का ट्रेलर तो लगता है यार कबाड़ है, ये कबाड़ कैसी होगी, मगर जब कबाड़ का ट्रेलर निकल जब नाम देखता आदमी है वरदराज स्वामी है, तो यार ये कुछ अलग ही होगी, तो दोबारा आदमी ट्रेलर देखता है। तो अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है, ट्रेलर का रिजल्ट अच्छा है, और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक हो भगवान भाई को और वरदराज जी को, पूरी टीम को, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लग रहा है इस फिल्म का, इसमें एंटरटेन है और आर्टिस्ट भी अच्छे लिए हुए हैं, कलाकार भी काफ़ी कलाकार इस फिल्म से अभी आगे निकलेंगे इंडस्ट्री में। बहुत से ट्रेलर देखने में मालूम पड़ा कि यार इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट लिए, इन्होंने काम कैसे निकला है, इनमें हुनर है। सो भगवान करे, गुड लक फॉर वरदराज जी आपको, और गुड लक ऑल टीम, थैंक यू वेरी मच।